जो अधिकारी होते हैं जिनको लगता है कि कानून के हिसाब से नियम के अनुसार कार्य करना है, वो मोदी जी की तानाशाही को नहीं सहन कर पाते और अक्सर त्यागपत्र दे देते हैं। 9 साल हुआ है, 10वां साल पूरा नहीं हुआ। आज के समय में देश के सरकार के ऊपर 195 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रुद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार सर, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पूर्व आरबीआई गवर्नर उनके बारे में एक चीज सामने आई है जो उर्जित पटेल थे, कि कभी मोदी जी ने उन्हें पैसे पर बैठने वाला सांप बताया था, पैसे के ढेर पर बैठने वाला सांप। और ये खुलासा एक किताब में हुआ है जो पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की किताब में मिला है। तो पहले मैं आपसे अपडेट जानना चाहता हूँ, फिर दानिश के बारे में पूछूंगा, कुंवर दानिश जो जिनको गालियां दी गई संसद में, उसके बाद हम कनाडा के अपडेट में बात करेंगे। जनता हमारे साथ मौजूद है ही, तो हालांकि अपडेट लाइव नहीं है, वो मैं बाद में लाइव कर दूंगा। तो सर जनता हमारे साथ मौजूद है ही, तो कई सारे अपडेट है आपसे जाननी है। जी सर, पहले उर्जित पटेल वाले मामले को बताइए कि क्यों कहा था मोदी जी ने उन्हें। मोदी जी को हमेशा ऐसा नौकरशाह चाहिए होता है जो आंख मूंद कर फाइल पर साइन कर दे। और मोदी जी खुद जो है आंख मूंद कर फाइल पे साइन करते हैं, क्योंकि जितनी फाइलें एक प्रधानमंत्री को रोज साइन करनी होती है वो इतनी ज्यादा होती हैं कि अगर मोदी जी उन्हें पढ़ने लगे तो शायद ही एक दिन का काम एक साल में हो पाए। तो इसीलिए उनको अपने भरोसेमंद लोगों की जरूरत होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री निवास हो या प्रधानमंत्री सचिवालय हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कहीं भी हो। अब ये जो मामला आ रहा है कि उर्जित पटेल के बारे में, जो वित्त मंत्रालय के सचिव थे सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने हालांकि खुद भी जो है अपनी जो पद से अचानक त्याग पत्र दिया था। मैं उस दिन बम्बई में था, वो भी एक बम्बई की कॉन्फ्रेंस में थे, और जब मैं दिल्ली आया तो पता चला कि उन्होंने रात को ही त्याग पत्र भारत सरकार को भेज दिया। तो जो अधिकारी होते हैं जिनको लगता है कि कानून के हिसाब से नियम के अनुसार कार्य करना है, वो मोदी जी की तानाशाही को नहीं सहन कर पाते और अक्सर त्यागपत्र दे देते हैं। यही उर्जित पटेल के साथ हुआ था। उर्जित पटेल का 3 साल का कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने बीच में ही एक साल पहले ही त्यागपत्र दे दिया और वो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में चले गए। सबको याद होगा रघुनाथ राजन जो थे, रघुराम राजन, उनको जब रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था तब वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार के बाद रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, और लगातार मोदी सरकार से उनका टकराव चलता था। और टकराव इस बात पर चलता था, वो कहते थे नियम के अनुसार काम करना है, संस्थागत जो तरीका है, जो रिजर्व बैंक की गरिमा है, रिजर्व बैंक का जो रिजर्व है उस पर जो है सरकार हाथ नहीं लगा सकती, वो देश की जनता की कमाई है। अब रघुराजन राम का राजन जो है उनका नाम क्यों है? वो ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 2008 में जब मेल्टडाउन हुआ था, पूरी दुनिया में मंदी आई थी, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी और ये बताया था कि ये जो विकास का गुब्बारा है ये एक दिन फट जाएगा, और वो 2000 में फटा। और तब उन्होंने किताब लिखी थी, उसकी पहली लाइन थी, हु विल रेगुलेट द रेगुलेटर्स, यानी जो लोग संस्थाएं चलाते हैं उनको रेगुलेट, उनको कौन चलाएगा? तो उनको चलाएगा, उनका मतलब ये था कि संस्थाओं को अपने स्वयं नियंत्रण और अपनी कार्यवाही को अच्छा रखने के लिए नियम कानून का पालन करना चाहिए। और इसीलिए मोदी जी से उनके मतभेद थे, मोदी जी ने उनको चलता किया, और चलता करते ही आप देखेंगे कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हो गई। और नोटबंदी पर जो नोट आए थे उस पर किसके हस्ताक्षर थे? उस पर हस्ताक्षर थे उर्जित पटेल के। यानी कि जब उर्जित पटेल रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं बने थे तभी ये तय हो गया था कि मोदी जी 500 और 1000 के नोट को बंद करने वाले। रघुराम राजन ने इसका विरोध किया, और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने ये अच्छा समझा कि उनको अगला जो है कार्यभार ना मिले, यानी उनको जो उनका कार्य विस्तार है ना मिले, और उन्होंने उसके लिए मना कर दिया। सरकार ने आंगन फांगन में तब जो है उर्जित पटेल को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया, उनके साइन कराए और 2000 के नोट आए, और जो अफरा तफरी फैली उसमें उर्जित पटेल एक मूक दर्शक बने रहे, और उन्होंने रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उसकी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अब हुआ क्या कि उन्होंने बहुत सारी बात जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स है उसको हटाने के बारे में कहा, उन्होंने और चीजें भी कही कि जो सरकारी बैंक है उन पे नियम पालन जो है करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की होनी चाहिए और रिजर्व बैंक का नियंत्रण होना चाहिए। उस समय जो अरुण जेटली थे वो वित्त मंत्री थे और मोदी जी उसके प्रधानमंत्री थे।
तो मोदी जी और अरुण जेटली दोनों मिलकर कहते थे कि जो हमने कह दिया वही फाइनल होना चाहिए। तो कई बैठकों में जो सुभाष चंद्र गर्ग ने जो किताब लिखी है कि हम भी पॉलिसी बनाते हैं, वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, तो हम भी पॉलिसी बनाते हैं यानी हम भी सरकार को चलाते हैं, हम भी फैसले करते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि उर्जित पटेल को मोदी जी ने खूब डांटा और डांटा इस हद तक कि ये कहा कि तुम जो हो वित्त मंत्रालय की बात नहीं मानते और रिजर्व बैंक के पास जो ह्यूज फंड है, रिजर्व बैंक के पास उस समय समझिए 19 लाख करोड़ का फंड था, तो उन्होंने कहा कि तू 19 लाख करोड़ रुपए के इस फंड पर जो है सांप की तरह बैठ गया। अब एक संस्थागत यानी उर्जित पटेल उस पैसे को घर तो नहीं ले आ रहे थे, उर्जित पटेल क्या कर रहे थे, रिजर्व बैंक का जो एक्ट है 1935 का जो अंग्रेजों के टाइम बना था, और एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ कि ये जो रिजर्व बैंक का एक्ट है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, यानी आजाद हिंदुस्तान नहीं हुआ था, उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने माना कि रिजर्व बैंक का जो एक्ट है वो बाबा साहब अम्बेडकर इसे बनाएंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे जहीन और कुशल व्यक्ति है। आप समझिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जिसकी हम लोग बात करते हैं तो उनके संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, मैं उल्टा कहूंगा कि उनके द्वारा बनाए गए रिजर्व बैंक के एक्ट के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, यानी ये सरकार जो है अच्छे लोगों की अच्छी बातों को किस तरह गंदी बातों में बदला जाए वो करती है। और ये बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान भी जो नोटबंदी दोनों बार हुई है, आप ये समझ लीजिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान मोदी जी की सरकार ने 2016 में भी किया और अभी भी किया। तो उर्जित पटेल का कहना था कि भाई जो है रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक के जो कानून है उनके हिसाब से चलना चाहिए। सबको याद है कि नोटबंदी में क्या हुआ था, नोटबंदी में ये हुआ कि सरकार की तरफ से कोई वो नहीं था, सरकार ने रिजर्व बैंक को आदेश दिया कि हम नोट बंद कर रहे हैं, और घोषणा किसने की, मोदी जी ने की, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने नहीं की, वित्त मंत्री ने नहीं की, मोदी जी आए और उन्होंने घोषणा कर दी। और बाद में सारा का सारा जो इस मामले का जो छीका है वो किस पे तोड़ा गया, रिजर्व बैंक पे, कि रिजर्व बैंक ने सरकार से कहा था नोट बंद कर, कहीं भी आज भी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है जो ये कहे कि रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन या उर्जित पटेल दोनों ने कहा हो कि 1000 और 500 का नोट बंद कर दो और 2000 का नोट निकाल दो। आप सबको याद होगा, मैं तो उस समय ये बात मानता था कि मोदी जी मूर्खतापूर्ण फैसला कर रहे हैं, मैं अकेला आदमी हूं जिसने ये जब फैसला किया तो 8 नवंबर 2016 को जब मोदी जी ने 8 बजे कहा, मैंने 8:15 बजे ही ट्विटर पे तो नहीं था मैं उस समय, मैंने फेसबुक पे डाला कि मोदी जी बेवकूफी का काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इसके जो नतीजे हैं उनके बारे में नहीं पता। बाद में सबने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा कि ये ऐसा काम इन्होंने किया है कि ये जो है एक तरह से प्लंडर, यानी प्लंडर मतलब डकैती वाला काम सरकार ने किया। और अब मोदी जी ने दोबारा जो है आप देख रहे हैं कि नोटबंदी का एक मिनी रूप जो है 2000 के नोट जो है 30 सितंबर को चलने बंद हो जाएंगे। तो मोदी जी का मन में जो आता है वो कर देते हैं, और सुभाष चंद्र गर्ग की जो किताब है वो इस बात की पुष्टि करती है, और इसीलिए सुभाष चंद्र गर्ग ने खुद अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, उनसे लिया नहीं गया क्योंकि वो ऐसे नौकरशाह नहीं थे जो जी में हाँ करें और जी नो में नो करें। तो ऐसी हालत में जो है मोदी जी ने जिस तरह से वित्तीय अनियमितताएं की और उसके बाद उन्होंने किसको बना दिया, रिजर्व बैंक का गवर्नर एक पूर्व नौकरशाह को बना दिया, और नौकरशाह को बना के क्या किया, वो नौकरशाह जो अर्थशास्त्र का कोई विद्यार्थी नहीं है, जिसको बनाया है वो जो है हिस्ट्री का एमए हिस्ट्री किया हुआ छात्र है, उसको एक बार उन्होंने पद विस्तार भी दे दिया है, पहले 3 साल के लिए बनाया अब फिर 3 साल का उसका एक्सटेंशन चल रहा है। उस आदमी ने क्या किया, जिस बात का विरोध उर्जित पटेल ने किया था कि 3 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ नहीं दूंगा, उससे आपके जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है उससे केंद्र सरकार अब तक 6.5 लाख करोड़ ले चुकी है रिजर्व बैंक के जो फंड है रिजर्व है, और उससे क्या है कि उससे जो रिजर्व बैंक जो सॉवरेंटी की गारंटी देता है उससे उसकी साख पर असर पड़ता है, और रिजर्व बैंक की साख को मोदी जी ने एक तरह से पतीले में लगा दिया है, यानी पाताल में लगा दिया है, और अब रिजर्व बैंक की हालत खराब है, और रिजर्व बैंक का गवर्नर कोई एक्शन नहीं लेता, वो सिर्फ जो है मोदी जी जो कहते हैं वो करता है, और इसलिए मैं उनका नाम लेना तक उचित नहीं समझता। अब आपकी ये बात आती है कि जो वित्तीय अनुशासन है वो बड़ा जरूरी है, और मनमोहन सिंह की सरकार और आज की सरकार अभी जो 30 मई को कुछ आंकड़े रिजर्व बैंक ने जारी किए हैं, और वो आंकड़े इस बारे में हैं कि देश की अर्थव्यवस्था
2004 से 14 तक क्या थी और 14 से 22 तक क्या थी, और 23 मई को जो आंकड़े जारी किए हैं उससे पता चलता है कि मनमोहन सिंह की सरकार महंगाई के मामले में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छी चल रही थी। उसने जो है देश में जो है डेफिसिट जो इकोनॉमी का या बजटिंग का जो मामला है उसमें भी अपना अनुशासन बनाए रखा और मोदी जी ने अंधाधुंध कर्ज लिया। और कर्ज की हालत यह है कि आप ये समझिए कि मनमोहन सिंह की सरकार के समय देश के सरकार के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज के समय में 9 साल हुए हैं, 10वां साल पूरा नहीं हुआ, आज के समय में देश के सरकार के ऊपर 195 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। 195 लाख करोड़ का मतलब समझिए कि मोदी सरकार ने 3 गुना ज्यादा कर्ज लिया है, यानी 140 लाख करोड़ का कर्ज जो है मोदी सरकार पिछले 9 साल में ले चुकी है, और जो अभी का साल है जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसमें मोदी सरकार ने 35 लाख करोड़ का कर्ज लिया है। हमारा जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है, 45 लाख करोड़ के बाद सरकार ने 35 लाख करोड़ का कर्ज लिया, मतलब 80 लाख करोड़ खर्च किए और वो पैसे कहाँ गए कहीं नजर नहीं आते। सिर्फ आप दिखाते हैं G20 हमने किया तो G20 में 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर दिए, और खर्च क्या किए उसके बाद जो है भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हो रही है वो सबके सामने है, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब जो है जो अमेरिका है, मैंने कल भी कहा था डेविड कोहन जो कि अमेरिका के राजदूत हैं कनाडा में, उन्होंने साफ तौर पर कहा, और अब ये सबसे बड़ी विचित्र बात आई है वो ये आई है कि G20 पर जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से बात कर रहे थे तब उन्होंने कनाडा में हरदीप निजर की मौत का मामला भी मोदी जी के सामने उठाया था, इसीलिए मोदी जी का मूड खराब था, मोदी जी इसलिए किसी को भाव नहीं दे रहे थे, मोदी जी को लगा कि मेरे साथ क्या हो गया, और इसीलिए जो बाइडेन जो है जल्दबाजी में हिंदुस्तान पहले तो लेटा है 8 घंटा और फिर 6 घंटे पहले जो है हिंदुस्तान से उड़कर जो है वियतनाम चले। तो अब जो हरदीप निर्जर की मौत का मामला है उस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसने अपनी एक इंटर कमेटी की बैठक की और उसमें उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने कहा जानबूझकर इस मुद्दे की आड़ में सारे सिखों को बदनाम किया जा रहा है, सारे सिखों को गालियां दी जा रही हैं, सारे सिखों को गोदी मीडिया कह रहा है कि ये जो है आतंकवादी है, और एक बार फिर जो है ये सिखों को बदनाम करने की जो कोशिश है इसे सहन नहीं किया जाएगा, सरकार को गोदी मीडिया पर रोक लगानी चाहिए। और गोदी मीडिया का ख्याल है वो ये है कि वो जो है ये नहीं चाहता कि सच सामने आए, वो ये कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, हमारे जो है किसी व्यक्ति पर, हमारी भारत सरकार के रिसर्च एनालिसिस विंग के किसी अधिकारी पर इस तरह का आरोप लगाया है, तो अब जो है उन्होंने घोषित कर दिया है कि ट्रूडो की सरकार जो है जाने के कगार पर है, एक दो दिन में ट्रूडो का इस्तीफा हो जाएगा और ट्रूडो जो है बाहर चला जाए, जबकि ऐसा सच नहीं है। सच ये है कि जो जांच का तरीका होता है हर देश का वो बड़ा सक्षम होता है, और जो विदेश है मैंने वहाँ का इन्वेस्टिगेशन भी देखा है वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं, सच्चाई से करते हैं। आप देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर जो ट्रंप है उनके खिलाफ चार्जेस अभी लगते नहीं, उनको ये कहा गया तुम्हारे पर ये चार्ज है, और जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन उनके बेटे पे भी चार्ज लग रहा है, उनको भी सजा मिलेगी। तो किसी देश में राष्ट्रपति के ऊपर, भूतपूर्व राष्ट्रपति के ऊपर या वर्तमान राष्ट्रपति के बेटे के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो और उन पर सिद्ध होते हैं तो ये समझ लीजिए वहाँ की जो न्याय व्यवस्था है और जो जांच अधिकारी हैं वो कितने सशक्त हैं और कितने ताकतवर हैं और किस तरह से वो जांच करते हैं। तो इन सब मामलों को लेकर जो ये हम मामला देख रहे हैं कनाडा का, तो कनाडा का मामला जो है, अब कनाडा का मामला नहीं रहा है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है, और इस रूप की वजह से सरकार को लगता है, मोदी जी को लगता है कि कैसे लोगों का ध्यान रखता है। तो आप ये समझिए कि जिस तरह दानिश अली को गाली दी गई, मैं तो ये कहूँगा कि अगर इसकी जांच की जाए, अगर इसकी सर्विलेंस की जाए तो पता चलेगा कि दानिश अली को गाली देने के लिए रमेश विदुड़ी को भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने निर्देश दिया होगा कि भाई तू ऐसा कलेश तो कर दे, कम से कम एक दो दिन जो है जनता का ध्यान इस बातों से हट जाए और ये मुद्दे जो छा जाए। और इसीलिए राहुल गांधी ने आज कहा है कि भाई जो ये बीजेपी है बड़ी मायावी पार्टी है, ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नकली मुद्दे खड़ा कर देती है। जब आप कहेंगे कि जी हम जो है जांच चाहते हैं अडानी की संपत्ति की, अडानी के करतूतों की, अडानी की फेक कंपनियों की, अडानी की कंपनियों को मॉरिशस में जिस तरह बैन कर दिया है, तो ये कहेंगे हम भारत और इंडिया वाली विवाद खड़ा कर देंगे, तो ताकि लोगों का ध्यान जो उस पर चला जाए। इसी तरह ये जो लोग हैं जब ये बात होती है कि भाई देश में जो है जनता भूखी मर रही है,
जनता जो पार्लियामेंट का सेशन है क्यों बुलाया जा रहा है, तो कहेंगे जी उदय निधि ने कह दिया है सनातन पर खतरा है और ये सनातन की बात लेके बैठ जाते हैं। तो इसी तरह रमेश विदुड़ी ने जो कहा है वो समझिए कि अगर उसकी सही से जांच हो, कल ही जो है कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराई है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में और उसमें FIR दर्ज कराई है, लेकिन असली FIR जो जब जब होगी जो जब जो दानिश अली है वो अपनी कंप्लेंट देंगे। और अभी तक ये बात उठ रही है कि दानिश अली क्या कर सकते हैं, तो मैंने पहले भी कहा है कि जो संसद के सदस्यों को जो विशेष अधिकार मिले हुए हैं उनकी वजह से जो है अभी संसद में इतनी विकृति आई हुई है। और मैंने पहले भी कहा कि संसद का जो वास्तु है वो गलत है, मोदी जी को लगता है कि संसद का वास्तु ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है संसद की भी पोल खुल रही है, देश के कानून की भी पोल खुल रही है और मोदी जी की सरकार की भी पोल खुल रही है। और इसीलिए मोदी जी को बड़ा डर बैठा हुआ है क्योंकि 6 अक्टूबर को जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना और राजस्थान, वहां पर जो है इनकी जो पोल खुलने वाली है। और इसीलिए मोदी जी के पास आज से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 10 दिन बचे हैं जो घोषणाएं करनी है या जो और योजनाओं का जो पिटारा खोल कर लोगों को ललचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में इनके लिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और यही इनकी चिंता है कि इन हालातों को सुधारने के लिए ना RSS कोई सक्षम कदम उठा पा रहा है ना BJP उठा पा रही है, और इसीलिए इनकी हालत जो है दलदल में फंसे हुए हाथी जैसी हो गई है जो दिन रात जो है दलदल में धंसता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने शुरू से हमने उर्जित पटेल से शुरू किया, उसके बाद में कनाडा वाला मामला, दानिश वाला मामला और इलेक्शन वाला मामला, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी किस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट कर रही है, मेन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रही है, सब पर बहुत अच्छी तरह से आज अपनी बात रखी, अपने विचार रखे। जनता पर छोड़ देते हैं, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड को लोगों तक पहुंचाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। कल फिर रविंद्र से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।